हमने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग क्या करती है, हेडिंग आपने क्या किया है यहाँ पे, H1 to H6। हेडिंग एलिमेंट क्या करते हैं, H1 to H6 एलिमेंट आपके एचटीएमएल में एग्जिस्ट करते हैं। H1 इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन और H6 इज़ द लेस सिग्निफिकेंट वन। टू डिफाइन एन हेडिंग वी विल टेक इट्स नंबर H1 स्टार्ट टैग एंड H1 क्लोज टैग, एंड इन बिटवीन दीज टू टैग्स इन क्लोजिंग एंड स्टार्ट टैग देयर इज द हेडिंग। ओके, इन दिस प्रोग्राम हमने H1 से लेके H6 तक 6 आपने क्या 6 की 6 हेडिंग हमने यूज़ कर ली है और उसको यहाँ डिफाइन किया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लिया और उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो लेवल 1 हेडिंग है आप देखिए उसका जो आपका प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है, और लेवल 6 की क्या है, बहुत माइनर सिग्निफिकेंस यहाँ पर इसकी दिख रही है। देयर इज एन सम एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन द एचटीएमएल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहला वाला करने जा रहे हैं दैट इज़ योर अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होता है, जो स्टार्ट एंड एंड के अंदर जो आपका टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को वो तीन फॉर्मेट में वो चेंज कर सकता है। इंडेंटेशन होगी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे H1 है, तो कोई भी आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो उसकी स्टार्ट टैग में आप जाओगे, जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नेम लिखोगे, इक्वल साइन एंड क्वोट्स के अंदर आप वैल्यू लिखोगे। लेट अस कंसीडर हमने क्या यूज़ करें, सेंटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 है। H2 में हम क्या कर देते हैं, अलाइन। बाई डिफ़ॉल्ट आपकी क्या होती है, अलाइनमेंट लेफ्ट होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटर और राइट का एग्ज़ाम्पल हम दिख रहे हैं। तो जब भी आप कोई चेंज करो तो उसे सबसे पहले सेव करो, देन उसे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखते हैं। अब जब हमने सेव करके चेक किया तो लेवल 1 कहाँ था, पहले लेफ्ट साइड था, एंड लेवल 2 राइट साइड लेफ्ट साइड था। तो लेवल 1 कहाँ हो गया, सेंटर अलाइन हो गया, एंड लेवल 2 आपका कहाँ हो गया, राइट साइड चला गया। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। इन पैराग्राफ जो अलाइनमेंट है आपको इन दोनों के अलावा इंडेंटेशन, एक जस्टिफाइड इंडेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है, पैराग्राफ लिया हुआ है हमने अपने प्रोग्राम में, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अलाइनमेंट क्या कर दिया, उसकी सेंटर अलाइनमेंट। आप यहाँ देखो, हमने यहाँ पर पहले सेव कर दिया इस पैराग्राफ को, और अब देखो आपके पास ये इस तरीके से है। अब हम इसे अलाइनमेंट क्या दे देते हैं, इस पैराग्राफ को, जो भी जब भी हम कहीं पे कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो कहाँ जाएंगे, हम स्टार्ट टैग में जाएंगे, एंड देन उसको हम क्या कर देंगे, वहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो अब हमने सेंटर दी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये सेंटर आपका व्यू करने लग गया है। ठीक है, और पहले ये क्या था, लेफ्ट था। अभी यहाँ पे आप इसे जस्टिफाइड भी एक और इंडेंटेशन फॉर पैराग्राफ ये एचटीएमएल आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जब आप जस्टिफाइड करोगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आपका बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं है तो इस वजह से यहाँ आपको अभी शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रेक। अब जब हमारे पास पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है तो लेट अस कंसीडर मैं क्या कर रही हूँ, इसको हम क्या करते थे, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, कि ये हमारा पैराग्राफ क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कैन बी एडिट के बाद 2 लाइनें डालना चाहती हूँ। ओके, हमने यहाँ सेव कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया। तो अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 लाइनें डाल रखी हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन माई वेब पेजेस। बट अब हमें समटाइम्स स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या कर देते हैं, ब्रेक एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ब्रेक एलिमेंट एक सिंगल आपका अनपेयर्ड एलिमेंट है, तो BR इसकी डिनोशन है फॉर ब्रेक। तो आप एक ब्रेक दोगे, उसके बाद हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे आपके सेंटर के बाद हमने ब्रेक डाला था, तो यहाँ पे ये सेंटर के बाद इसने क्या कर दिया, एक एंटर डाल दिया। अब अगर हम इस ब्रेक को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक को एक बार एक और बार कर दिया, देन अब आपका क्या करेगा, एक और एंटर डाल देगा। तो ये देखिए आपकी एक और लाइन यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप ब्रेक एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एक हॉरिजेंटल एट्रीब्यूट होता है, हॉरिजेंटल एट्रीब्यूट अभी दिखाते हैं उसका क्या करते हैं। हॉरिजेंटल एट्रीब्यूट भी एचआर से डिनोट किया जाता है। अब एचआर जब हमने दिया तो आप ये देखिए यहाँ पर एक लाइन आपकी क्रिएट हो गई। ये लाइन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आपकी स्क्रीन डिस्प्ले होगी उतनी आपके स्क्रीन पर आपके जो ब्राउज़र पे वहाँ पर वो शो कर देगा। बट अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसके लिए कई सारे एट्रीब्यूट, इसमें चार एट्रीब्यूट आपके आते हैं। साइज़ होता है जो आपकी एलिमेंट, जो आपकी लाइन है उसकी थिकनेस के लिए। विड्थ क्या होता है, बार की विड्थ के लिए। अलाइन क्या होता है, आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, जैसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर। एंड शेड क्या होती है कि उसके चारों ओर कोई शेड ना हो। अब सबसे पहले हम कौन सी अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम अलाइन सेंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अलाइन सेंटर यूज़ करने के लिए हॉरिजॉन्टल के यहाँ हमने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर डाल दिया। बट क्योंकि ये हमारी पूरी ही उस पर वर्क कर रहा है, पूरी ही स्क्रीन पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये वर्क कर रहा है, तो हमने क्या किया, विड्थ इसकी क्या कर दी, हमने कम कर दी। विड्थ का जो एट्रीब्यूट है उसका नेम, देन इक्वल साइन, और उसको वैल्यू क्या दे दी हमने, 100 कर दी, एंड देन सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हो पहले क्या था, जब हमने ये नहीं दिया होता तो ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा था। अब आप देखिए जो इसकी विड्थ क्या है, कम हो गई है, 100 हो गई है, और ये सेंटर में अलाइंड है। अगर यहाँ पे हम ये सेंटर नहीं करेंगे, इसको हमने डिलीट कर दिया, देन अगेन यहाँ पर सेव किया, तो आप ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या है, सेंटर में ही रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, साइज़ एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका जो बार की हाइट है उसे क्या कर देता है, इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 10 देके देखते हैं, ठीक है। 10 में देखो ये जो आपका बार है ये आपकी क्या हो गया, बड़ा हो गया है। उसके अलावा जो आपकी नो शेड है, नो शेड, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, हम शेड डाल देते हैं,